जब सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे तो इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं या जो घटनाक्रम होते हैं उनको रोका जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब पुलिस छापेमारी की कार्रवाई को अपने अधिकारियों तक लाइव पहुंचा सकेगी। दरअसल अब पुलिस कर्मचारियों के शरीर पर कैमरे लगे होंगे और ये कैमरा पहनकर कार्रवाई के लिए सभी जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारी इसकी लाइव तस्वीरें देख सकेंगे। आपको बता दें कि पुलिस 1200 बॉडी वॉर्न कैमराज खरीद रही है जिसमें 600 लाइव स्ट्रीमिंग और 600 ऑफलाइन कैमराज होंगे। सभी जिलों में ये बॉडी वॉर्न कैमराज बांटे जाने हैं। 30 कैमरों का इस्तेमाल भोपाल पुलिस कर रही है और ऐसे में इन बॉडी वॉर्न कैमराज का इस्तेमाल कर जो विश्वसनीयता है, जो पारदर्शिता है, उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये बॉडी वॉर्न कैमराज का जो कॉन्सेप्ट है ये कई जगह पर अपनाए जाने की तैयारी चल रही है, क्या जल्द ही अब हम देखेंगे पुलिस कर्मचारियों के शरीर पर ये बॉडी वॉर्न कैमराज? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, एमपी पुलिस लगातार हाईटेक होती जा रही है और आधुनिक उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के प्रयास में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इसी दिशा में पीएचक्यू ने एक बड़ा फैसला लिया और 1200 बॉडी वॉर्म कैमरे खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें 600 ऐसे कैमरे को जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लाइव देखी जा सके उसका इसमें प्रावधान रहेगा। इसके अलावा 600 ऑफलाइन कैमरे होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जहां भी अब कभी पुलिस रेड मारती है, बड़ी कार्रवाई करती है, कहीं पर कोई घटना होती है सांप्रदायिक या किसी भी तरह का, तो वहां पर ये कैमरे डायरेक्ट जो पुलिस लगाकर वहां कार्रवाई करेगी और उस कार्रवाई को इस तरह पुलिस कंट्रोल रूम से भी फीड सीधा मिलना करेगा और इस कारण वहां से भी बड़े अफसर इस पर सीधे नजर रख सकेंगे, डायरेक्शन दे सकेंगे कि किस तरह आरोपियों पर कार्रवाई करना है या कहीं उपद्रव या किसी और तरह की भी घटना होती है, कहीं भीड़ जुटती है तो वहां पर भी ये कैमरे उपयोग आ सकेंगे। तो इस तरह का एक बड़ा प्रयोग एमपी पुलिस करने जा रही है और इसके लिए निर्देश हो चुके हैं और इन्हें जल्द ही पुलिस के उसमें शामिल कर लिया जाएगा ताकि जो संसाधनों से लेस हो रही पुलिस उसमें एक और नए नए तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। तो जो बॉडी वॉर्म कैमरे और ऑफलाइन कैमरे ये पुलिस कंट्रोल रूम से फीड होने के साथ ही हर जिले में जितने भी 56 जिले वहां पर पहुंचाए जाएंगे और कभी भी आकस्मिक कभी जरूरत पड़ेगी तो इनको उपयोग में लाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इंदौर से खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। एक मासूम बच्चे को ईंट से मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। 7 साल के मासूम पर ईंट से हमला किया गया था। साइकिल चला रहे एक मासूम पर ईंट से हमला किया गया था। आरोपी नशे का आदी है, कॉलोनी वासी ये बता रहे हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी जिसके बाद नशेड़ी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक बच्चा जिसे देखिए किस तरह से नशेड़ी ने ईंट से मारा था और इसका वीडियो भी सामने आया था और बच्चे को ईंट से मारकर वो भाग गया था। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, बच्चे पर ईंट से हमला करने वाला नशेड़ी अब गिरफ्तार कर लिया गया? नशेड़ी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके पुराने कुछ रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में घूमता आसपास के लोगों से बातचीत भी की जा रही, क्या इसने कभी पहले भी कुछ हमला किया था, क्योंकि जब ये पकड़ा गया तो ये नाटक स्थिति जो पुलिस के कहना है कि कुछ ऐसे तरीके से स्थिति बना रहा था कि जैसे उसकी मानसिक स्थितियां ठीक नहीं लगे, शायद लगे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। और जैसा शुरू में परिजनों ने भी कहा था कि आसपास के लोगों से पूछ के कि लोग कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कुछ और लोगों ने कहा कि ये नशेड़ी है और नशे में ही पूरे क्षेत्र में उत्पाद मचाता रहता है। जब भी कोई पकड़ता है तो उस वक्त वो मानसिक विक्षिप्त वाला अपना जो चरित्र है वो ले आता है सामने। तो पूरे मामले पे पूरे एंगल पर इस वक्त पुलिस जांच कर रही है। जो डॉक्टर है, मनोचिकित्सक डॉक्टर है, उनकी राय भी ली जा रही है, उसके कुछ पैरामीटर्स की जो है वो भी पुलिस द्वारा जांच कराई जाएगी। लेकिन आसपास के कई लोगों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है कुछ पुराने घटनाओं को लेकर के जिसमें कठोरतम कार्रवाई की जा सके। लेकिन आरोपी गिरफ्तार हो चुका, जिस तरीके से उसने 7 साल के मासूम बच्चे पर ईंट से हमला किया था वो नशे की उस वक्त नशे के हालात में था, नशे में ही उसने हमला किया था। लेकिन पकड़े जाने के बाद में पुलिस के डर से ही मानसिक विक्षिप्त खुद को लोग माने इस तरीके का वो वहां पर व्यवहार करने लगा। हालांकि अब पुलिस जो है डॉक्टरों की भी राय लेगी और इसमें कठोरतम कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल मिथिलेश, मानसिक विक्षिप्त ही ऐसे शख्स को कहा जाएगा जो एक मासूम बच्चे पर, छोटे बच्चों पर ईंट से हमला करे और इसका खाली शरीर बढ़ा है लेकिन जो दिमाग है वो वाकई किसी ना किसी, चाहे वो शराब की वजह से या किसी अन्य कारण से,
वो विक्षिप्त ही कहा जा सकेगा, क्योंकि इस तरह की हरकत सामान्य परिस्थिति वाला व्यक्ति कभी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खंडवा से एक बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन के पास मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल बेसबॉल के बैट से, स्टील के पाइप से एक दूसरे पर हमला करते नजर आए टैक्सी चालक, जो सवारी बैठाने को लेकर आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि आंख में मिर्च डालकर भी मारपीट की गई, और मारपीट का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और प्रदेश में कोलकाता में हुए घटना का विरोध लगातार जारी है। हमीदिया के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर हैं, और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में ही रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए ओपीडी चलाएंगे रेजिडेंट डॉक्टर, भोपाल एम्स के हड़ताल पर हैं, और ऐसे में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी। ओपीडी समेत कई अन्य सेवाएं बंद रखी जा रही हैं। प्रदेश भर में कोलकाता की घटना को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, और ऐसे में हमीदिया हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी। और इंदौर में एक लिफ्ट में 8 लोग फंस गए। दरअसल 5वें फ्लोर पर लिफ्ट में ये 8 लोग फंसे थे, और लिफ्ट खोलकर खुद ही ये बाहर निकले। सनशाइन बिल्डिंग की लिफ्ट में ये लोग फंस गए थे। स्कीम नंबर 140 के ग्रैंड एग्जॉटिक में ये घटना हुई है। बिल्डिंग में गार्ड और लिफ्टमैन दोनों ही नहीं हैं। और आपको बता दें 5वें फ्लोर पर ये लिफ्ट फंस गई थी, और लिफ्ट फंस जाने की वजह से 8 लोग इसमें फंसे हुए बताए जा रहे थे, और 8 लोगों को वहां मौजूद लोगों ने ही, लिफ्ट जब रुकी हुई थी उसका जो दरवाजा है मैन्युअली खोला गया, और उसे जो लोग उसमें फंसे हुए थे, जिसमें कि कुछ महिलाएं भी थी, अधेड़ उम्र की महिलाएं, और कुछ बुजुर्ग भी थे उसमें, जिन्हें लिफ्ट से खींच के बाहर निकाला गया। इंदौर से ये पूरा मामला सामने आया। और छतरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल सड़क हादसे में जो 5 लोग मरे थे, उसके बाद 2 और लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कुल 7 लोग अब इसमें मृतक बताए जा रहे हैं, और इसके अलावा 6 लोग और हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। यूपी के रहने वाले थे जो सभी हादसे का शिकार हुए। बलरामपुर फैजाबाद निवासी मृतक और घायल बताए जा रहे हैं। फरुखाबाद महोबा के निवासी मृतक और घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू ऑटो ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी थी। नेशनल हाईवे 39 पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। सुबह के समय घटना हुई है, जिसमें झांसी खजुराहो हाईवे पर एक ऑटो टैक्सी, उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ है, और उसमें जो भी लोग थे, अभी तक 7 लोगों की उसमें डेथ हुई है, और बाकी लोग घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। कहां से कहां जा रहे थे? कितने लोग सवार थे इसमें? 13 लोग कुल टैक्सी में थे, और ये लोग महोबा रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम तरफ जा रहे थे। आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान। मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी हो सकते हैं जॉर्ज कुरियन। सिंधिया की सीट से राज्यसभा जा सकते हैं जॉर्ज कुरियन। केंद्र नेतृत्व आज घोषित कर सकता है नाम। और आपको बता दें केंद्र नेतृत्व आज इसमें ऐलान कर सकता है।
मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद के तौर पर जॉर्ज कुरियन का नाम अभी चर्चा में चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व आज नाम घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाना है और मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर जॉर्ज कुरियन का नाम चर्चा में चल रहा है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, एमपी राज्यसभा से एक सीट खाली हुई है। केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो अभी तक राज्यसभा में थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर वो संसद में चले गए, तो अब जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी वो रिक्त हो चुकी थी और उस पर अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 21 अगस्त कल नामांकन का आखिरी दिन रहेगा, तो केंद्रीय नेतृत्व सभी नामों को लेकर विचार कर चुका है और सूत्र बताते हैं कि जो एमपी से सीट खाली हुई है वो एक बार फिर दिल्ली के ही कोटे में जाएगी और दिल्ली से जो केंद्रीय मंत्री दो है, जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू, तो रवनीत सिंह बिट्टू का नाम हरियाणा से चल रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए जॉर्ज कुरियन की, तो जॉर्ज कुरियन को एमपी से राज्यसभा भेजा जा सकता है और इस तरह के संकेत बीजेपी के सीनियर नेताओं को भी मिले हैं। और अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महासचिव रहे केरल के भी, और जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री बनाए गए और अभी वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो उनको 6 महीने के भीतर सदन में भेजा जाना था और इसी कारण उनका नाम राज्यसभा से लगभग तय माना जा रहा है और एमपी से उन्हें भेजा जा सकता है, इसकी तैयारी है। तो आज शाम तक माना जा रहा है कि नाम की घोषणा हो जाएगी और कल यहां पर आकर जॉर्ज कुरियन बीजेपी में से विधानसभा जाएंगे और फिर अपना नामांकन भरेंगे। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया कल होगी और कल नामांकन का आखिरी दिन है। उसके बाद 3 सितंबर को रिजल्ट आएगा, जिस दिन नए राज्यसभा से जिन्हें चुना जाएगा उन्हें सदन में भेजा जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, और चूंकि नाम प्रत्याशी के तौर पर तो इनका घोषित हो गई और क्या जीत भी सुनिश्चित है, चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, 29 की 29 सीटें बीजेपी के ही पास हैं लोकसभा में। देखिए अगर जो राज्यसभा की बात की जाए तो जो वोटों का गणित है और जिस तरह का जो सीट पहले भी सिंधिया की ही थी, ये बीजेपी के ही नाम थी, तो निश्चित ही जो विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है विधायकों की वो काफी मजबूत है और उस गणित के आधार पर बीजेपी के ही प्रत्याशी को राज्यसभा में जाना तय है। तो एक औपचारिकता है ये चुनाव, क्योंकि कांग्रेस इस चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी भी खड़ा नहीं कर रही, हालांकि जो नियम है उस हिसाब से पूरी चुनावी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया का पालन करना भी आवश्यक है। और ऐसे में आगे जो डिटेल्स होंगे लेने के लिए, फिर जानकारी करने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मुरैना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, होटल में एक युवक पर फायरिंग का मामला, पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग किए जाने का ये मामला। बाइक से दो युवकों ने आकर गोली मारी कैश काउंटर बैठे हुए शख्स को, और साथ ही ग्वालियर उसे घायल हालत में रेफर किया गया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के गुरु कृपा होटल की यह पूरी घटना है। और मुरैना में एक शख्स पर फायरिंग किए जाने का मामला, जहां बाइक सवार युवकों ने आकर पुरानी रंजिश में गोली मारी, और अब अपने अनोखे कारनामों की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले विधायक बाबूलाल जंडेल की खबर, जहां एक और कारनामा उनका सामने आया। दरअसल श्योपुर से कांग्रेस विधायक जंडेल रक्षाबंधन के मौके पर लंगूरों को राखी बांधने लगे। विधायक बाबूलाल जंडेल ने पहले लंगूरों को फल और चने खिलाए, उसके बाद उन्हें राखी बांधने की कोशिश करने लगे। हालांकि लंगूरों ने राखी नहीं बांधवाई, हाथ झटक कर पीछे खींच लिया, लेकिन वो फिर भी 2-3 बार प्रयास करने की कोशिश करते वो नजर आए कि वो लंगूरों को राखी बांध सकें, लेकिन इस दौरान विधायक जी ने कोशिश की लेकिन लंगूरों ने राखी नहीं बंधवाई। विधायक बाबूलाल जंडेल के लंगूरों को राखी बांधने की कोशिश का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी वो गले में सांप डालने समेत कई अनोखे कारनामे कर चुके हैं। और इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे और कुत्तों के बाद अब कबूतरों का भी आना शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद कबूतर की एक तस्वीर एक यात्री ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, और सौम्या गुप्ता नाम की यात्री जिसने ये वीडियो बनाया और कैप्शन में लिखा कबूतर यात्री। उधर मामला बढ़ता देख एयरपोर्ट प्रबंधन ने इस पर माफी मांगी, और गौरतलब है कि इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे और कुत्ते भी घूमते देखे गए थे।
और राजस्थान के अभ्यारण्य से निकलकर एक टाइगर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आ घुसा है। करहल तहसील के सेसईपुरा कस्बे के पास ये टाइगर देखा गया। दरअसल रिहायशी इलाके के पास घूम रहे इस बाघ की तस्वीर एक कार चालक ने रात के समय अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और कार सवार ने बहुत बड़ा इसका वीडियो अपने फोन में जो रिकॉर्ड किया उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और आपको बता दें कि दो दिन पहले मानपुर थाना क्षेत्र के नागर गावड़ा गांव में बाघ ने एक किसान पर हमला कर दिया था। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये वही बाघ हो सकता है और बाघ के कूनो नेशनल पार्क के जंगल में पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। विचरण कर रहे हैं टाइगर, बहुत बड़ा। ये कराल घाटी में टाइगर का। और आज प्रदेश के कैबिनेट की बैठक होनी है। दरअसल मोहन कैबिनेट कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाने के लिए आज एक साथ फिर होंगे और मिशन शक्तिकरण और इस पर फैसला लेने के लिए प्रदेश भर में साइबर तहसील के मुद्दे पर चर्चा और एक राय बनाने के लिए सिंचाई प्रोजेक्ट पर सरकार बड़ा फैसला लेने के लिए एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग में सभी विचार चर्चा करने के लिए जुटेंगे और कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी पर भी यहां चर्चा होगी।